والصلاة والسلام على من فسر الكتاب وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين يمسكون بالكتاب وأصحابه الذين دعوا إلى كتاب رب الأرباب أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال عليهم الصلاة والسلام حسين مني وأنا من حسين صدق الله وصدق رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی मताए आम नहीं है खुसरवियो दरवेशी कहाँ होते हैं एक शख्स में दो हुनर पैदा जलाल का पैकर बना कबा का हर एक पैवंद उमर के बाद कहाँ हुआ है उमर पैदा अलहम्द से वन्नास तक कुरान के पारों को सलाम अलहम्द से वन्नास तक कुरान के पारों को सलाम फातिमा जहरा तेरे रोशन सितारों को सलाम समय ने गिरामी कदर अभी थोड़ी देर कबल हम्द नाते रसूल मकबूल आपने समात फरमाई आपके चेहरों पर तबस्सुम मैंने नहीं देखा फिर उसके बाद एक और बड़ी बात कि ऐलान हुआ आपके लिए देसी घी का हलवा तैयार है उसके बावजूद आपके चेहरों पे तबस्सुम नहीं आया मैं तो अंगुष्ट बदंदा हूं कि मस्जिद में आप बैठे हैं और देसी हलवा भी तैयार है और आप परेशान बैठे हैं खुदा के लिए मस्जिद में ऐसे बैठा करें जैसे मोमिन हुजूर ने फरमाया मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली पानी में होती है खुश खुरम होती है मुस्कुराती रहती है मछली आप भी मुस्कुरा के बैठें आज की बावकार तकरीब मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ मखदूमुल उलमा इसमें बा मुसम्मा हजरत मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला साहिब दामत फ्यूज़ हूँ उनकी तमाम टीम को नौजवानों को जिनका भी जिक्र हुआ कि ये महफिल आपके लिए मुहर्रमुल हराम के 10 दिनों में इनेकाद पजीर होती है यकीन जाने वगरना हमारे 10 रोज तो गुनाह देखते देखते गुजर जाने थे ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हम अल्लाह के घर में बैठ के उसके प्यारों का तज़करा कर रहे हैं मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आया मुबारका और फिर दो अहादीस तिलावत की हैं उन्हीं पर मैंने बात करनी है मुझे जितना वक्त अता फरमाया गया है उसी पर मैंने रहना है उसी पर आपसे बात करनी है लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं बाकायदा अपनी बात का आगाज करूं तो आप लोगों की तवज्जो मेरी तरफ हो मेरी कोई इतनी उम्र नहीं इल्म नहीं तजर्बा नहीं लेकिन मैंने एक बात सीखी है अपने असलाब से कि ये जो छोटे बच्चे यहां बैठे हैं मैं खड़ा हूं आप बैठे हैं ये हम जिस जगह पे बैठे हैं ना ये हमारी यूनिवर्सिटियां हैं ये हमारे कॉलेजेस हैं ये हमारे स्कूल्स हैं ये हमारी दरसगाहें हैं कहां सुन्नी यूनिवर्सिटी बनना थी कहां सुन्नी कॉलेज बनना थे गैरों ने कब्जा जमा रखा है यही हमारी यूनिवर्सिटियां हैं यहां पे आप ऐसे ना बैठा करें कि देखते हैं कौन सा मौलवी कितना जोर लगाता है बल्कि आप यहां बैठ के ये सुना करें कि मौलवी बात किसकी कर रहा है और वो जो बात कर रहा है क्या वो दुरुस्त भी है जाके तहकीक किया करें
तादीस बिन नेमत के तौर पर अर्ज करूंगा, पीरो मुर्शिद किबला हजरत काजी मजहर हुसैन रहीमहुल्ला की मसनत पे खड़ा हूं। मर्जी है आपकी, आप बोलें या ना बोलें, आपकी मर्जी है। उनके गुलामों की मसनत पे खड़ा हूं। जो बात करूंगा जिम्मेदारी के साथ करूंगा, जो गुफ्तगू करूंगा जिम्मेदारी के साथ। महफिल के बाद, मगरिब के बाद यही हूं, हलवा खा के जाऊंगा। किसी किस्म का हवाला चाहिए हुआ मेरी गुफ्तगू का, मैं अपने असलाफ की मौजूदगी में दूंगा। लेकिन खुदारा तवज्जो कीजिएगा, मेरी बात अगर आपको समझ में आए तो मुझे तो पता चले आप समझ रहे हैं। मैंने दो हस्तियों का जिक्र करना है, बस दो हस्तियों का तज़करा, यही मेरा मौजू सुखन है, इन्हीं पे मैंने लबकुशाई करनी है। दीगर शख्सियात पर दीगर अय्याम होते हैं, मैंने आज इन दो शख्सियात पर लबकुशाई करनी है, बात को खत्म करना है। एक शख्सियत वो है जिसको नबी ने मांग कर लिया, एक शख्सियत वो है जिसे मुस्तफा ने मांग कर लिया। सुनियो मेरा जुमला, समझ आए तो बोलना। दूसरी शख्सियत वो है जिसके लबों पे मोहम्मद ने बोसे दिए। इन दो का तज़करा करना है, तीसरी जात का तज़करा नहीं है। पहली जात उमर अब्नुल खत्ताब कहा जाता है। कौन फारूक? हुजूर फरमाते हैं उमर अंता लिसानुल्लाह। उमर ध्यान से बोला कर, तवज्जो से बोला कर, उमर जरा ध्यान रखा कर, तू बात करता है ना तो बात को वैसे ही ना समझा कर। जब तू बात करता है तेरी बात अल्लाह कुरान में नाजिल कर देते हैं। उमर कौन? उमर जिसे उमर अब्नुल खत्ताब कहते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील का तनहा हुक्म, ये बुजुर्गों की रीश मुबारक का वास्ता देकर, नौजवानों की नौजवानी का वास्ता देकर कहूंगा, बात सुनिएगा। 22 लाख मुरब्बा मील का तनहा हुक्मरान है, लेकिन खुले आसमान में, खुले आसमान के दरख्त के नीचे साए में ईंट का तकिया बना करके सो जाता है। 22 लाख मुरब्बा मील का तनहा हुक्मरान है, बैतुल माल के ऊंट की हिफाजत खुद कर रहा है। 22 लाख मुरब्बा मील का तनहा हुक्मरान है, एक बेवा के घर खुद जाकर राशन रखता है, उसके बच्चों को राशन देकर बच्चों के सामने हाथ बांध के कहता है, बच्चों रोजे हशर अल्लाह से उम्र की शिकायत न लगा देना। 22 लाख मुरब्बा मील का तनहा हुक्मरान है, बैतुल माल के ऊंटों की हिफाजत करता है, बेवाओं को खाना देता है, यतीमों के घर खाना पहुंचाता है, मसाकीन के घर खाना पहुंचाता है। 22 लाख मुरब्बा मील का तनहा हुक्मरान है, बाजार से गुजर रहे हैं, एक खिड़की से एक घर की आवाज आती है, इन्ना अजाब रब्बे का लवाकी, कप कपी तारी हो जाती है, तड़पना शुरू हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं, चारपाई मंगाई जाती है, चारपाई पे उठा के कसरे खिलाफत तक पहुंचाया जाता है। क्यों? एक आयत सुनी थी, इन्ना अजाब रब्बे का लवाके, इन्ना अजाब रब्बे का लवाके। 22 लाख मुरब्बा मील का तनहा हुक्मरान है, एक बद्दू के सवालात के जवाब भरे मजमे में खड़े होके दे रहा है। 22 लाख मुरब्बा मील का तनहा हुक्मरान है, हक महर को मुतायन करने चला है। एक औरत आकर कहती है, उमर जब रसूल ने नहीं किया तू क्यों मुतायन करता है? उमर उसे सजा नहीं देता, अपना फैसला बदल देता है। 22 लाख मुरब्बा मील का तनहा हुक्मरान है, बात करता है तो ऐसे कि अंताबुदुल्लाह का अन्ना का तरा, देखता है तो ऐसे अंताबुदुल्लाह का अन्ना का तरा, किसी को मात करता है, किसी को बुलाता है, किसी से निकाह करता है, किसी से मशवरा करता है, अंताबुदुल्लाह का अन्ना का तरा। अरे 1036 शहरों को फतह करने वाला उमर बिन खत्ताब एक औरत के घर की दहलीज पे खड़े होके उसकी मासूम बच्ची का, पाकीजा बच्ची का रिश्ता अपने शाहजादे के लिए देता है। क्यों? क्योंकि उस औरत में खशियत इलाही पाई जाती है। अरे 22 लाख मुरब्बा मील का तनहा हुक्मरान है आका, इसीलिए तो अपने हाथ उठाकर कहते हैं, अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम
بعمر بن الخطاب اللهم ايد الاسلام بعمر بن الخطاب آقا بدھ کے روز عمر کو مانگتے ہیں جمعرات کے روز عمر آقا کے قدموں میں آ جاتا ہے تو پھر مجھے کہنے دو عمر آ گیا ہے بکمال آ گیا ہے خدا کا زمین پہ جلال آ گیا ہے کبھی دیکھا میں نے خبیبہ آ گیا ہے کبھی دیکھا میں نے بلال آ گیا ہے ارے شیطان بھی آج رستہ بدل رہا ہے کیوں مسلمان ہو کے خطاب کا لال آ گیا مسلمان ہو کے خطاب کا لال آ گیا ہے سامعین آج 2022 امریکہ کا ایک ریسرچ سکالر جس کا نام مائیکل ایچ آرڈ ہے وہ ایک کتاب لکھتا ہے کتاب کا نام دا ہنڈرڈز 100 شخصیات کا تذکرہ کرتا ہے ایک چپٹر بناتا ہے عمر بن الخطاب کا مسلمان تو نہیں ہے کافر ہے اس نے تاریخ پڑھی ہے کتاب پڑھیے اس میں وہ لکھتا ہے ہندوازم ہندوستان سے شروع ہوا اسلام سے پہلے آج بھی صرف ہندوستان تک ہی ہے آگے نہیں بڑھا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے گا اگر دل میں سے آواز آئے نا میرا یہ جملہ سن کے تو مجھے داد دیجئے گا وگرنہ نہ بولیے گا جملہ سنیے گا وہ مائیکل ایچ آرڈ لکھتا ہے ہندوازم ہندوستان سے شروع ہوا اسلام سے پہلے کا مذہب آج بھی ہندوستان تک ہی موجود ہے لیکن اسلام ہندوازم کے بعد آیا آج پوری دنیا پہ اسلام کا میسج پہنچ چکا ہے اپنی اپنی تحقیق اپنی اپنی ریسرچ وہ ایک کافر سکالر لکھتا ہے اگر اسلام پوری دنیا تک پہنچا ہے آدھی دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا ہے تو اس کی وجہ ان کا دوسرا خلیفہ عمر بن الخطاب ہے یہ میری بات نہیں ہے مائیکل ایچ آرڈ کی بات ہے اور مائیکل ایچ آرڈ کو عمر بن الخطاب نظر آتا ہے لیکن مجھ سے پوچھئے یہاں بیٹھے ہوئے مسلمانوں سے پوچھئے ہمیں مائیکل ایچ آرڈ کا یہ بات نظر نہیں آتی کہ عمر نے آدھی دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرایا نہیں بلکہ مجھے نظر آتا ہے وہ 1450 سال پہلے خانہ خدا کے سائے میں ایک مقدس ہستی اپنے پاکیزہ ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتی ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب مجھے تو وہ موقع نظر آتا ہے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا سامعین میں نے عرض کیا یہ یونیورسٹیاں ہیں آج عمر بن الخطاب کو دنیا نہ جانے کیا کہتی ہے کیا کچھ کہا جا رہا ہے حضرت عمر فاروق کو لیکن عمر فاروق کوئی عام ہستی نہیں عمر فاروق کوئی عام شخصیت نہیں تمام صحابہ مرید مصطفیٰ عمر فاروق مراد مصطفیٰ جن کا یہ عقیدہ کہہ دو سبحان اللہ ذرا محبتوں سے کہیں سبحان اللہ میں آج آپ کو اپنے عقیدے کا ایک تحفہ دینے چلا ہوں اپنے عقیدے کا ایک حسن دینے چلا ہوں لیکن آپ ذرا محبتوں سے کہیں میں آپ کو سناتا ہوں سبحان اللہ عمر کون عمر عمر عدل میں نظر آتا ہے عمر کردار میں نظر آتا ہے عمر بلندی میں نظر آتا ہے عمر بالاتری میں نظر آتا ہے عمر عزت میں نظر آتا ہے عمر آقا کی نظر میں نظر آتا ہے عمر آقا کی دعا میں نظر آتا ہے عمر اللہ کی عطا میں نظر آتا ہے عمر آقا کے دل کا چین ہے عمر صحابہ کے دل کا سرور ہے عمر دشمنوں کے دل پہ قہر الہی ہے عمر صحابہ میں نظر آتا ہے عمر 313 بدری صحابہ میں نظر آتا ہے عمر 10 عشرہ مبشرہ میں نظر آتا ہے عمر 4 خلفائے راشدین میں نظر آتا ہے
आता है, उमर मक्का में नजर आता है, उमर मदीना में नजर आता है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली में नजर आता है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का में उमर नजर आता है, उलाइका हुमुल मुत्तकून में उमर नजर आता है, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून में उमर नजर आता है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन में उमर नजर आता है। अलिफ लाम मीम गलबतिर रूम में उमर नजर आता है। हाँ हाँ, उमर बदर में नजर आता है, ओहद में नजर आता है, तबूक में नजर आता है, खैबर में नजर आता है, यमन में नजर आता है, रूम में नजर आता है, शाम में नजर आता है, मक्का में नजर आता है, मस्जिद नबवी में नजर आता है। जिसे यकीन नहीं देखो आज मोहम्मद के रोजे में नजर आता है, और इंशाअल्लाह आका के साथ जामे कौसर पे नजर आएगा, आका के साथ जन्नत में नजर आएगा। क्यों? मुर्शिद उमर, मौला उमर, आका उमर, बरतर उमर, आला उमर, आला उमर, बाला उमर, नबी पाक पर दो जान से शैदा उमर, ईकान में, एहसान में, यकतान में सुल्तान उमर। कौन उमर? वो उमर जिसके लिए शायर ने कहा कि मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा, सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। पढ़ने लगा था जोर जहालत की फौज का, रूए जमीन पे रब को उमर भेजना पड़ा। कौन उमर? आज दुनिया हजरत खताब पर बकवास करती है, लेकिन वो ये भूल चुकी है। आज भी रोजे में जाके देखो, जिन्हें मेरी इस बात पर यकीन नहीं है वो ना बोलें, जो समझते हैं रोजे में उम्र है वो कह दें सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान की शान बयान की जा सकती है, समझ तवज्जो कीजिएगा, हजरत बिलाल की शान बयान की जा सकती है, मौला अली की शान बयान की जा सकती है, उमर की शान बयान भी की जा सकती है, दिखाई भी जा सकती है। जिन्हें जुमला पसंद आया कह दो सुभान अल्लाह। उमर की शान बयान भी की जा सकती है, दिखाई भी जा सकती है। हजरत उमर कोई आम शख्सियत नहीं। मैंने तमहीद में एक जुमला कहा, या उमर अंत लिसानुल्लाह, तू अल्लाह की जुबान है। मैंने ये जोशे खिताबत में नहीं कहा, मैंने जज्बात की रो में बहते हुए नहीं कहा, मैंने जज्बात के तूफान की नजर होकर यह जुमला नहीं कहा। कुरान मजीद में 22 मकाम, एक रिवायत के मुताबिक 18 मकाम ऐसे हैं इधर उमर फारूक बोले। और मेरा ख्याल है जिन्ना जोर मैं लड़ा सी ला लिया, थोड़ा जो तुसी लड़ा है, जरा कह दियो सुभान अल्लाह। तुसी कि तुझे लुवेख रहे हो, यह कितू फड़ आंदा जे? मेरा तालक भी उलमाए देवबंद की जुतियां चुकड़ नाल है, जुतियां दे नाल लगी हुई मिट्टी नाल मेरा ताल्लुक है। सामाइन मैं जो बात कहूंगा जिम्मेदारी से कहूंगा, 22 या 18 मकाम उम्र फारूक ने एक जुमला बोला, अल्लाह ने उसी जुमले को कुरान की आयत का हिस्सा बना लिया। एक छोटी सी झलक दिखा कि मैं अपने मौजू की तरफ, अगले मौजू की तरफ बढ़ता हूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इजाजत मिल गई कुफार की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से, कि आप उमरा कर लीजिए। हुजूर मक्का में तशरीफ लाए, उमर फारूक साथ, सहाबाए किराम साथ, तमाम सहाबा को मक्का की जियारत करवा रहे हैं। ये जमजम का कुआं जी या रसूलल्लाह, ये बैतुल्लाह जी या रसूलल्लाह, ये मकाम इब्राहिम जी या रसूलल्लाह। हुजूर आगे चले गए, सहाबा पीछे पीछे आ रहे हैं। हुजूर ने मुड़ के देखा, उमर फारूक अभी मकाम इब्राहिम पे ही खड़े हैं। हुजूर ने कहा, उमर आगे नहीं आता। या रसूलल्लाह, आप पर मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, आप पर मेरे आल औलाद कुर्बान। मेरा दिल करता है अपने जद्दे अमजद सैयदना इब्राहिम के इस मकाम के सामने, जहां वो पत्थर मौजूद है जो लिफ्ट के जरिए
लिफ्ट की तरह इस्माइल के वालिद इब्राहिम को ऊपर ले जाता था, फिर नीचे ले आता था। उस जद्दे अमजद के इस मकाम पे खड़े होके दो रकत नफल अदा करूं, हुजूर ने कहा उमर अगर तेरा दिल करता है तो क्या मेरा दिल नहीं करता? मैं भी तो अपने दादा के मकाम पे खड़े होके दो रकत नफल पढूं। लेकिन उमर तू जानता है इन हुआ इल्ला वहयु युहा मा यंतिकु अनिल हवा, इन हुआ इल्ला वहयु युहा। उमर मैं उस वक्त तक काम नहीं करता जब तक अल्लाह आर्डर ना करे। हुजूर आगे चले गए, हुजूर ने कदम आगे रखा, अल्लाह ने कहा जिब्राइल जिन्हें जुमला समझ आया कह दियो सुभान अल्लाह, उची कह दियो सुभान अल्लाह। सुर ते मैं लानी कोई नहीं, मतलब तुसी सोच रहे हो हुणे सुर शुरू करेगा, सुर मनु आंदी कोई नहीं, कुरान दियां गल्लां ही आंदियां ने। अगर ये सुन के मजा आ रहा तो कह दियो सुभान अल्लाह। जिब्राइल या रब्बे जलील वो देखो मेरे आका तमाम अंबिया के सरदार मेरे आखिरी नबी मकामे इब्राहिम पे खड़े हैं और मेरा तखय्युल कहता है, उलमा से माजरत के साथ, मेरा तखय्युल कहता है अल्लाह ने कहा होगा जिब्रील वो जो उमर है ना, वो जो उमर है ना, वो जो उमर है ना। एक बात यहां पे और अर्ज कर दूं, बात सोची हुई नहीं थी, आपका जोश देख के अर्ज करने लगा हूं। उठाइए तारीख तफसीर और उठाइए हदीस की कुतब, हिजरत की शब हुजूर चलकर अबू बकर के दरवाजे पे आए और आकर कहने लगे अबू बकर जाना है, जाना है। अबू बकर ने कहा जी या रसूलुल्लाह चलिए। ये नहीं पूछा कहां जाना है, क्यों जाना है या रसूलल्लाह चलिए। फरमाया अबू बकर ने एक जुमला अर्ज करके बात की तरफ पलट रहा हूं, जिनका इश्क इस बात की इजाजत दे वो जरूर बोलिएगा। अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह चलते हैं, आपका हुक्म हो गया चलिए, लेकिन मुझे बताइए मा यंत को अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु युहा। आप उस वक्त तक जुबान नहीं हिलाते जब तक अल्लाह आर्डर न करे आपने कदम उठा के मेरे तरफ आए, मेरे घर की तरफ आए। मकाम इश्क था अबू बकर के लिए। अबू बकर कहते या रसूल अल्लाह आपको किसने कहा कि अबू बकर के दर पे जाइए? जो जुमला समझे हैं कह दें सुभान अल्लाह। उन तो अड़ा दिल मैं पिता पाड़ के रखा थे वो वखरी गाले उन जी कह दियो सुभान अल्लाह। मकाम इश्क देखिएगा, अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह आप पर आल औलाद माँ बाप जान इज्जत सब कुछ कुर्बान, जा रहा हूं आपके साथ, लेकिन बताइए। आप उस वक्त तक कदम नहीं उठाते जब तक अल्लाह नहीं कहता। आज हिजरत की शब आप मेरे दरवाजे पे आए क्यों? रसूल कहते हैं अल्लाह ने कहा। अगला जुमला सुनिएगा, अगर मैं गलत पढ़ रहा हुआ माइक से उतार दीजिएगा, अगर मैं दुरुस्त पढ़ रहा हूं उलमा तायद करें तो हाथ नीचे ना हो, मुझे पता चलना चाहिए आपको जुमला पसंद आया और समझ आया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मासूमों का, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह आ अल्लाह हो सम्मानी, जिन्हें जिन्हें अरबी आती है वो इस जुमले पे यकीन करें, वो खुशी से लोटपोट हो रहे होंगे जिन्हें अरबी आती है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आ अल्लाह हो सम्मानी या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया है, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? मैं कोई गलत नहीं पढ़ रहा, आप हदीस की तशरी उठाइए। आमिना के लाल कहते हैं अबू बकर अल्लाह ने अरश पे बैठ के आर्डर दिया है कि या रसूल अल्लाह हिजरत की शब आपका साथी अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर होगा। आज उमर फारूक वहां खड़े हैं, अल्लाह ने कहा जिब्रील जा, वो देख उमर खड़ा है, रसूल मेरे हुक्म के मुंतजिर हैं, उमर वहीं पे खड़ा है। अल्लाह ने कुरान की आयत बनाई वत्तखिजू मिम मकामे इब्राहीम मुसल्ला, या रसूल अल्लाह ऐलान फरमा दीजिए उमर के इस ख्वाहिश पर सिर्फ सहाबा नहीं कयामत की सुबह तक का आने वाला कोई मुसलमान
अपना उम्रा या तवाफ पूरा नहीं कर सकेगा जब तक उम्र की तकलीद में यहां दो रकत नफल अदा नहीं करता। समईन उम्र की तकलीद में, समईन उम्र की तकलीद में, नहीं समझे तुसी, नहीं समझे उम्र। अलैकुम बिसुन्नती, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। हुजूर ने फरमाया तुम पर वो काम भी सुन्नत का दर्जा रखता है जो मैंने किया, और वो काम भी सुन्नत का दर्जा रखता है जो मेरे चार खुलफाए राशिदीन ने किया। और आका ने चार खुलफाए राशिदीन का जमाना भी बता दिया कि इतना है। खुलफाए राशिदीन में कौन कौन है वो भी बता दिया। तो फिर मनु कहन दियो ना कि जेड़ा हक नहीं मंदा हैदर नू ईमान यकीन ते नहीं आया, उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया, जेड़ा राज उमर दा मुनकिर है ओ बशर अजे दीन ते नहीं आया, सिद्दीक दा शक मशकूक है ता वत सज जमीन ते नहीं आया, सिद्दीक दा शक मशकूक है ता वत सच जमीन ते नहीं आया। अगली बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान बैठे हैं, कुरान से बाहर नहीं जाना, कुरान की बात कर रहा हूं। हुजूर बैठे हैं, हुजूर ने एक आयत करीमा पढ़ी, तवज्जो कीजिएगा, मैं बुजुर्गों की तवज्जो चाहूंगा। हुजूर ने एक आयत करीमा पढ़ी, हुजूर फरमाते हैं सुम्म जअलना नुतफत अलका फखलकनल अलकत मुज़गा फखलकनल मुज़गत इज़ामा फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्म अनशअनाहु खल्कन आखर। हुजूर ने यह आयत पढ़ी, खामोशी इख्तियार की। या रसूलुल्लाह आयत खत्म हो गई, फरमाया खत्म हो गई। मजलिस में लिसानुल्लाह बैठा था, और जेड़े लिसानुल्लाह नु समझ दियो कह दियो सुभान अल्लाह। ओ मेरे पीटीआई दे दोस्त जेड़े पीछे बैठे ने इमरान खान दे संगी, ओ छोटे छोटे कह दियो सुभान अल्लाह, तुसी भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह आयत खत्म हो गई जी, खत्म हो गई। समईन तवज्जो कीजिएगा, मंजर कशी कर रहा हूं, मंजर देखिएगा। रसूल कहते हैं सुम्म खलकना नुतफत अलका फखलकनल अलकत मुज़गा फखलकनल मुज़गत इज़ामा फकसौनल इज़ामा लहमा सुम्म अनशअनाहु खल्कन आखर। मैंने इंसान को बनाया जमे हुए खून से, लोथड़ा बनाया, हड्डियां बनाई, उसमें जिस्म लगाया, खून दाखिल किया, इसी तरह मैं दोबारा इंसान को जिंदा करूंगा। आयत खत्म हो गई, उम्र फारूक ने खुद कलामी की, अपने आप से बात की। उमर कहते हैं फतबारकल्लाहु आसनुल खालिकी। उमर खताब ने अपने आप से बात की, खुद कलामी की। हुजूर सुन रहे हैं, हुजूर बोले नहीं। थोड़ी देर के बाद जिब्राइल अमीन फिर तशरीफ लाए और आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह जो मैंने आयत पढ़ी है ना वो अभी मुकम्मल नहीं हुई, पहले उतनी थी जितनी आपको सुनाई गई, लेकिन उमर ने जो खुद से बात करते करते कहा ना कि फतबारकल्लाहु आसनुल खालिकीन, अल्लाह ने उमर की इस आयत को कुरान की आयत का हिस्सा बना दिया। अब कयामत की सुबह तक ये आयत कंप्लीट नहीं होगी जब तक उमर फारूक की वो पड़ी हुई आयत को इस आयत के साथ शामिल नहीं करेंगे। उमर को निकाल दें, कुरान कुरान नहीं रहता, उमर को निकाल के इस्लाम इस्लाम रहता है। जिन्हें अकीदा कह दियो ना हाथ चुक के नहीं रहता, इस्लाम में से उमर को निकाल दें क्या इस्लाम इस्लाम रहता है? नहीं रहता। सामईन मैं हजरत उमर फारूक पर एक मवाद लेकर आया था आपसे गुफ्तगू का, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, मैंने दूसरे मौजू की तरफ आना है जो मौजू सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में है। हुसैन एक हदीस में आपके सामने पेश करूंगा, आपने वो हदीस सुननी है और देखिएगा उस हदीस में क्या बात की गई। मैं बड़ी तवज्जो चाहूंगा, हजरत याला आमरी वो फरमाते हैं, ये हदीस
मुस्नद अहमद में मौजूद, ये हदीस मुस्नद अहमद में मौजूद है और एक सलफी मकतबा फिक्र के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना अल्बानी, जिनका ताल्लुक सऊदी अरब से है, उन्होंने भी इस हदीस को बिल्कुल सही लिखा है। ये सेहत में इतनी मजबूत है। हदीस क्या है? हजरत याला हमरी फरमाते हैं, अन्नहु खराजा मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला तआमिन दाऊ लहू, हम एक रोज आका इनामदार के साथ एक खाने की दावत पे जा रहे थे। फ़ाइज़ा हुसैनो यलअबो माल गिलमान फित तरीक, कि हमने देखा सैयदना हुसैन अपने हम उम्र बच्चे दोस्तों के साथ गली में खेल रहे हैं। समय तवज्जो मुंतशिर हो गई आपकी, ये हदीस सुन लीजिए। आपको अगले साल तक अगर मजा ना आया हदीस का, तो फिर आप कहिएगा हमने मुस्नद अहमद की हदीस नहीं सुनी। बिल्कुल सही हदीस, जिसकी सेहत पे कोई रिजाल कोई शक की बात नहीं, तमाम रिजाल सकात हैं। तवज्जो से सुनिएगा, हजरत याला अमरी फरमाते हैं, फाइजा हुसैनो यलअबु माल गिलमान फित तरीक, कि हजरत हुसैन कम उम्र बच्चों के साथ गली में खेल रहे थे। फस्तक़बला अमाम अल-क़ौम सुम्मा बासाता यादा हू, कि हुजूर ने जब अपने नवासे को देखा, हुजूर ने दोनों बाजू खोलकर हुसैन को अपनी जानिब बुलाया। एक बार फिर कहो सुभान अल्लाह, एक दफा फिर कहो सुभान अल्लाह। मैं इतनी मेहनत करके हदीस ढूंढ के आंदी है, तो तुसी चुप करके बैठे, एक बार फिर कहो सुभान अल्लाह। आपने ये हदीस पहले सुनी है ना, तो मैं नहीं कहता, पस मंजर भी देख लीजिएगा, लेकिन अगर पहली दफा सुन रहे हैं इस पस मंजर के साथ, तो फिर थोड़ी जी दाद बन दी है। जरा उच्ची कहो सुभान अल्लाह। अन्नहु खरजा मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला तआमिन फदऊ लहू फाइज़ा हुसैन यलअबु माल गिलमान फित तरीक फस्तक़बला अमाम अल-क़ौम सुम्मा बसत यदहू वत्ताफिक़ अस-सबी यफिरु हा हुना मर्रा वहा हुना। जब 5.5 साल के बच्चे हुसैन ने देखा उसका नाना उसे बुला रहा है, वत्ताफिक सबियो यफिरु हा हुना मर्रा वहा हुना, तो उसने इधर भागना शुरू कर दिया, फिर इधर भागना शुरू कर दिया। समाइन हुजूर घर में नहीं, हुजूर बाजार हैं, हुजूर अकेले नहीं, हुजूर के साथ उम्मती हैं, हुजूर ढके छुपे नहीं, हुजूर सरेआम हैं, हुसैन को अपनी बाहों में लेना चाहते हैं। हुसैन कभी इधर भागता है, वत्ताफिका सबीयु मर्रहा हुना मर्रा वहा हुना, कभी इधर भागता है। वजाला जाहिकहु रसूल करीम भी अपने 6-5 साल नवासे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हत्ता आखाजहु रसूलुल्लाह, यहाँ तक के रसूल अपने नवासे को पकड़ लेते हैं। अपने दिलों पे हाथ रखिएगा, होंठों पे हाथ रखिएगा, हाथ हटे नहीं, कोई दाद नहीं, हाथ हट के सुभान अल्लाह की सदा बाहर आए तो खामोश नहीं रहना। वत्ताफिक सबीयो हा हुना मर्रा वहा हुना सुम जालहु जाहिकहु रसूलुल्लाह हत्ता आखाजहु, फिर रसूल पाक ने उसे पकड़ लिया। कैसे? बई इहदा बैना यदैही तहत ज़कन ही व तहत कफ़ाहु, एक हाथ हुसैन की ठोड़ी के नीचे, दूसरा हाथ हुसैन की गर्दन के ऊपर। फ़क़ुबलहु, फिर रसूल ने अपने 4-5 साल हुसैन के होंठों में होंठ डाल दिए। बस एक बार ही कहना चाहिए सुभान अल्लाह, जरा दो दफा उच्ची बांधल कबो सुभान। मुस्तदरक हाकम में ये हदीस, इब्ने माजा में ये हदीस, मुस्नद अहमद में ये हदीस, पस मंजर तक मैं ले आया हूं। अगला जुमला आपने सुना हुआ है, आप सबको जुमला हिफ्ज है। पस मंजर मैंने आपको आज बताया, हुजूर फकुबलहू अपने नवासे को चूमते हैं,
हजरत याला अमरी बताइए ना आगे क्या हुआ। हजरत याला फरमाते हैं फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुसैन को चूमने के बाद रसूल ने कहा हुसैनो मिन्नी, फिर कह दियो सुभान अल्लाह, हाथ चुक के कह दियो सुभान अल्लाह, उन्हें गैरा नू दसो कि तुसी हुसैनी हो, इज कह दियो सुभान अल्लाह, सहाबा दे आशिक कह दियो सुभान अल्लाह, अहले बैत दे आशिक कह दियो सुभान अल्लाह, हुसैनो मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुजूर फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, कौन हुसैन? अरे वो हुसैन जिसे जबले इस्तकामत कहा जाता है, इश्क़ो रज़ा का नय्यरे ताबा कहा जाता है, जिसकी पैदाइश पर सबसे ज्यादा खुशी रसूलुल्लाह ने फरमाई वो हुसैन, जिसको गुड़ती रसूलुल्लाह ने दी वो हुसैन, जिसके कान में आजान रसूलुल्लाह ने कही वो हुसैन, जिसका नाम रसूलुल्लाह ने रखा वो हुसैन, जिसका नाम अरश से नाजिल हुआ वो हुसैन, जिससे पहले कायनात में दूसरा हुसैन न था वो हुसैन, अबू बकर जिसे अपने साथ मिंबर पे बिठाकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं वो हुसैन, उमर फारूक जिसे सलाम करने में पहल करते हैं वो हुसैन, उस्मान जिसकी मुस्कान को देखकर कहता है हुसैन तेरी मुस्कुराहट देखकर आज तो जन्नत में भी बहार आ चुकी है वो हुसैन, अबू हुरैरा अपनी दस्तार उतार के जिसके जूतों की गर्द उतारते हैं वो हुसैन, सहाबा जिसे कहते हैं हुसैन हमारे लिए दुआ करना वो हुसैन, जिसे धोखा दिया गया वो हुसैन, जिससे मुनाफिकत की गई वो हुसैन, जिसे कूफे बुला के शहीद किया गया वो हुसैन, नबी ने जिसे कंधों पे बिठाया वो हुसैन, शबीह मुस्तफ़ा हुसैन जिसने अपनी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया वो हुसैन, अपना घर बार कुर्बान किया वो हुसैन, बेटियां कुर्बान की, बहनें कुर्बान की, अली असगर कुर्बान किया, अली अकबर कुर्बान किया वो हुसैन, अरे कौन हुसैन? लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, ये कौन सी वकार है? बला कैसा सवार है कि है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ, ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर ऐन, ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर ऐन है। तवज्जो हो तो कलाम पूरा करूं, तवज्जो है? दूसरी उठना नहीं, बैठे रहो, थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। मेरी तमाम गुफ्तगू का खुलासा, कौन हुसैन? लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, ये कौन सी वकार है? बला कशा सवार है कि है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ, है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ, ये जिसकी एक जर्ब से कमाल फन हर्ब से कई शकी गिरे हुए तड़प रहे हैं कर्ब से, कमाल है तेरे दो सरा के एक एक वार पर उठी सदाए अल अमा अल अमा सुबाने शर को गर्ब से, ये कौन सी वकार है? बला का शाह सवार है, ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर ऐन है, बहादरी में फर्द है बड़ा ही शेर मर्द है, कि जिसके दब दबे से रंग दुश्मनों का जर्द है, हबीब मुस्तफा है ये मुजाहिदे खुदा है ये, जबी तो इसके सामने ये फौज गर्द गर्द है, कौन सी वकार है? बला का शाह सवार है कि है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ, ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर ऐन है। सामईन, पांच मिनट मेरे पास मौजूद, उसके बाद वक्त तमाम होने वाला है, एक जुमला सुन लीजिए। हजरत हुसैन हजरत अली हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हैं, अचानक हजरत अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपको किससे ज्यादा प्यार है? मेरे को जितना जोर सी मैं ला देता है, हुन तुसी थोड़ा जोर ला के कहना सुभान अल्लाह, तवज्जो फरमाइएगा। हुजूर बैठे हैं,
मौला अली वो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आपको किससे ज्यादा प्यार है, मुझसे या हुसैन से? अभी हजरत अली ने ये बात की हजरत हुसैन खड़े हुए, हजरत हुसैन ने कहा बाबा ठहरिए मैं बताता हूं, बाबा ठहरिए मैं बताता हूं। अरे बेटा बता किससे ज्यादा प्यार है? हुसैन कहने लगे बाबा कोई लड़ाई की बात नहीं, मुनाजरा नहीं, जिसका खानदान ज्यादा बड़ा है, जिसका खानदान ज्यादा बड़ा है वो नबी को ज्यादा पसंद है। हजरत अली ने कहा बेटा मैं तेरी बात समझा नहीं, तेरा मेरा खानदान एक ही तो है, हम नबी के खानदान में से ही तो हैं। हुसैन ने कहा बाबा ना, जिसका खानदान ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा पसंद है। अली ने कहा वो कैसे? हुसैन ने कहा बाबा मेरा बाप आपके बाप से आला। तुसी नहीं बोल रहे, अगले जुमले तो चुप रह नहीं सकते। हुसैन ने कहा बाबा मेरा नाना, जरा हाथ चुक के वो सुभान, जड़े हुसैन ने नाने नु जान दे हो के वो सुभान अल्लाह। तहजीब इबादत है सरापाए मोहम्मद, तस्लीम की खुशबू चमनार आए मोहम्मद, तंजीम खुदा साज तमन्नाए मोहम्मद, मनशा जो खुदा का वही मनशाए मोहम्मद, जिस दिल में है अल्लाह वही रहते हैं वो भी, कहता है जो अल्लाह वही कहते हैं वो भी। अल्लाह की इताअत है मोहम्मद की इताअत, कुरान की दावत है मोहम्मद की इताअत, वलियों की रियासत है मोहम्मद की इताअत, शहीदों की शहादत है मोहम्मद। है जितना शऊर उतना इस हद को समझ ले, अल्लाह को समझना है मोहम्मद को समझ। अल्लाह है क्या जिसने बताया वो मोहम्मद, कुरान सा पैगाम जो लाया वो मोहम्मद, आयात में पैवस्त जो आया वो मोहम्मद, जिसने बशरियत को सजाया वो मोहम्मद, वो इल्म मुदस्सम वो मशीयत वो मोहम्मद, वो अकल मुअज्जम वो तबीयत वो मोहम्मद, अखलाक हमागीर की वसअत है मोहम्मद, इंसान से इंसान की मिल्लत है मोहम्मद। बाबा जिसका खानदान ज्यादा बड़ा है ना वो ज्यादा पसंद है, मेरा बाप आपके बाप से आला, मेरा नाना आपके नाने से आला। जुमला पढ़ने लगा हूं, मर्जी है तुम्हारी। हुसैन ने कहा बाबा मेरी मां, अम्मा फातिमा दे रूहानी पुत्र का वो सुभान अल्लाह। ख्याल फहमो फिक्र से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा, जुम्बश मिजाज गुफ्त तहर्रुक में आयते कुरान तूने जिस्म में ढाला है फातिमा, दुख्तर कुशी के देश में बेटी का एहतराम तूने ही इस रिवाज को डाला है फातिमा, दुनिया ने दीन मान लिया है हुसैन को, हद है तूने दीन को पाला है। जिन्होंने जुमला समझ आया क्या तेरे सुभान, बाबा मेरी मां आपकी मां से आला। टाइम खत्म हुआ, आखिरी जुमला सुन लीजिए, मैं गुफ्तगू को यहीं पे समेटता हूं। अली ने कहा हुसैन ठीक है, मेरा बाप तेरे बाप जैसा नहीं, मेरी मां तेरी मां जैसी नहीं, मेरा दादा तेरे दादा जैसा नहीं, लेकिन हुसैन मेरे पास एक ऐसा रिश्ता है जो तेरे पास नहीं, और हुसैन कयामत की सुबह तक वो तेरे पास आ भी नहीं सकता। हुण तक जेड़े नहीं बोले, अगर वो हुण भी ना बोले तो महफिल चाहे ही नहीं। मैं कह रहा हुसैन ने कहा बाबा क्या मतलब? अली कहते हैं मेरा बाप तेरे बाप जैसा नहीं, माँ नहीं, नाना नहीं, नानी नहीं, दादा नहीं, दादी नहीं, मैं नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा रिश्ता है जो तेरे पास नहीं, कयामत की सुबह तक तेरे पास आ भी नहीं सकता। हुसैन ने कहा बाबा वो क्या? अली ने कहा मेरा बेटा। हाय हाथ चुक के कह दो सुभान अल्लाह। अली ने कहा हुसैन मेरा बेटा हुसैन है, तेरा बेटा हुसैन नहीं, अफजल है कुल जहान से, घराना हुसैन का नबियों का ताजदार है, नाना हुसैन का एक पल को थी बस हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन।